तो गाइज वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी जस्ट नहा धो के रेडी होने जा रहा हूँ। अब मेरी क्योंकि शिफ्ट की टाइमिंग चेंज हो गई क्योंकि अपन आ गए अब ऑन प्रोडक्शन फ्लोर। तो अभी मेरी करंट शिफ्ट की टाइमिंग है 5:30 to 2:30। 10 घंटे की शिफ्ट हो ही जाती है क्योंकि 1 घंटे पहले कैब आती है, फिर 1 घंटे बाद मेरे को घर छोड़ती है, तो उसी हिसाब से लगा लो। तो लेकिन ठीक है, कैब आती है तो कैब फैसिलिटी रहने का ये फ़ायदा है कि यार खुद चल के नहीं जाना पड़ता है, वरना भाई बहुत आलस आता है कि बाइक उठाओ निकलो घर से। ये पता है कैब आएगी बैठो। एंड आज सुबह नानी ने बना दिया था चावल दाल, एंड मैंने तो आके मतलब 3:30 बजे अराउंड में आता हूँ आया था, तो मैंने तब पराठे बने हुए थे तो मैंने वो खा लिया था। और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ विच इज राइस दाल एंड बूंदी एंड आलू की भुजिया। बहुत पसंद है यार ये मुझे, और चावल दाल मेरे को नानी सबसे बेस्ट खाना लगता है चोखा के साथ। और यही सेम मैं टिफिन में ले जाऊंगा, बस चावल की जगह मैं पराठा कर दूंगा। इसका सही है यार, ये वर्क स्टेशन घर पे ही है, कहीं पे भी जाओ कहीं पे भी जाओ। मेरे ना ऑफिस में एसी इतना तेज रहता है ना कि यार ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मैं एक अपना जैकेट तो लेके जाता ही हूँ, और दूसरा मैं करता क्या हूँ कि शर्ट रहता है तो जैकेट में अगर ज्यादा गर्मी लगने लगती है तो शर्ट काम कर जाती है। तो ये तो क्रश्ड है, अभी इनको आयरन कर लूंगा और शर्ट पहनूंगा, क्योंकि 3-4 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ शर्ट ही पहनने का, क्योंकि सही रहता है, एक तो अच्छे भी लगते हैं और दूसरा फायदा रहता है कि अगर जैकेट ज्यादा गर्मी कर देता है तो जैकेट उतार दो शर्ट में मैनेज हो जाता है, अगर ज्यादा ठंड लगती है तो स्लीव्स डाउन कर लो। बस अभी खाना खाऊंगा। ओ नानी वाओ, लाइए लाइए लाइए, थैंक यू। और एक गंदी आदत है मेरे को खाना खाने के साथ तारक मेहता चाहिए होता है, तो वो लगाऊंगा और खाना खाऊंगा। तो यार अभी जस्ट अपन रेडी हो गए, तैयार व्यार होके अभी थोड़ी देर में कैब आ जाएगी और निकलेंगे ऑफिस के लिए। शिफ्ट की टाइमिंग मैंने आपको बताई आज चल रही है 5:30 to 2:30, तो रात को आते हैं अपन। ये थोड़ी ना टाइमिंग मेरे को ख़राब लगी, विच मीन्स ना आप सुबह आपको टाइम मिलता है ना आपको रात को पूरा टाइम मिलता है, आप कहीं ना बीच में अटके हुए हो। कहीं 4 बजे आप निकल जाते हो तो उठ के मैं अराउंड आप समझ लो 1-2 बजे उठूँगा, दिन में निकल जाऊँगा, तो इसमें थोड़ा इशू रहता है अगर आपको मिड वाली टाइमिंग मिलती है। लेकिन इसका ये है कि अगर आप अभी मैं ऑफिस जाता हूँ तो कब मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है वो चीज़ मुझे पता नहीं चलता है, ये मेरे को लगता है कि इसका ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज मैंने यार आपको बताया कि पता ही नहीं चलता है, अगर आपको कुछ काम रहेगा तो आप जा नहीं सकते। अगर फॉर एग्जांपल आपकी 12:30 की शिफ्ट भी रहती है और आप आते हो 9:30, आप सोओगे 5-6 बजे तक उठ जाओगे, देन यू हैव 3 to 4 आवर्स कि आप शाम में कहीं जा सकते हो, थोड़ा इधर उधर मिल लिए किसी से। इतने दोपहर में आप जाओगे भी कहाँ, जगे हुए हो लेकिन जाओगे कहाँ, तो थोड़ा एडवांटेज है। लेकिन ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक चलाएंगे। अब आप मेरे को दीजिए। चलिए भाई आता हूँ, पीछे से खत्म कर दी पूरी यहाँ से, ये सबका ला जाएगा सामान, इंश्योरेंस वो कर दिया एक लाइफ। ये लग रहा है कोई जान के ठोक गया, ये तो खड़ी गाड़ी में मारी, लंबा चौड़ा काम हो गया। ये नया पड़ेगा, डिग्गी बम्पर लाइट पाइप सब नहीं पड़ेगी, कल सुबह खड़ी कर दूंगा, मैंने बोला शाम तक मुझे गाड़ी चाहिए। तो अभी जस्ट ऑफिस आया हो यार, और अभी अपने रास्ते में देखा जो कैब थी वो अपने ऑफिस की थी जिसकी एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन वो पीछे से बंदा ठोक के फिर वो भाग गया, तो उस बंदे ने जाके उसको चेस करा एंड देन उसको जाके उसको पकड़ा, देन उससे उससे पैसे ऐसे लिए। तो ये तो भाई उसकी क्या फनी सीन था, मार के भाग गया। तो अभी जस्ट आया हूँ, अभी लॉगिन करने का टाइम होगा तो देखते हैं कैसा चलता है। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ये है मेरे साथ कि मेरे को इवनिंग शिफ्ट में डाल दिया, तो अभी देख लो अभी शाम हो रही है तो बाहर जाके चाय वाय पी सकते हैं, लेकिन 2:30-3 बजे होते हैं ना तो सब कुछ बाहर बंद हो जाता है, और जो मेन गेट है वो ये लोग बंद कर देते हैं, मतलब लास्ट शायद से 12:30 बजे तक, आई एम नॉट श्योर, 12 बजे तक शायद से खुला रहता है एंड देन बंद हो जाता है और डायरेक्टली खुलता है 4 बजे। तो आप अगर बाई चांस भूख लगता भी है तो कैफेटेरिया भागना पड़ता है, तो ये जो पीछे दिख रही बिल्डिंग इस वाले में कैफेटेरिया और मेरे को दूसरे वाले में जाना पड़ता है, तो विंग चेंज करने में बहुत टाइम लगता है,
इस वजह से मैं घर का खाना खाता हूँ, वो बहुत सही है। तो यार इस शिफ्ट में थोड़ी सी ये दिक्कत रहती है कि कभी कभार ये जो अभी देख रहे हो अभी मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, लेकिन 2:30 तक शिफ्ट रहती है, लेकिन 3 बजे तक कैब मूव होती है। और ये टाइमिंग इस वजह से भी ख़राब है यार, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ नहीं कर पाता, मतलब बातचीत नहीं होती है। लंच भी देखा यार, मैं अकेले ही कर रहा था, तो बहुत बोरियत हो जाती है। तो आई होप जल्दी टाइम चेंज हो जाए। रात की मैं बस एक मस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मेरे को इस ऑफिस की लगती है, वो भी चलो आपको भी पता चलेगा क्या मेन सीन रहता है, क्योंकि वहाँ का व्यू मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। और सब जो फ़ोटो भी मैंने एक ली थी, मैंने इंस्टा पे डाला था, तो मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे ज़्यादा मतलब अपने ऑफिस की थोड़ी मस्त मस्त फ़ोटोज़ खिंचवा के डालता रहता हूँ। तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो ये मेरे को बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि यहाँ पे यार अभी रात है तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो दिख रहे हो थोड़ा सा, यहाँ पे पानी दिखाता हूँ, ये रहा, और यहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन आती है तो बड़ा मस्त लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भी खिंचवाई थी, ऊपर से लेके पूरी रिफ्लेक्शन नीचे तक आ रही है, बड़ा प्यारा लगता है। वहाँ पे एक चिल आउट जोन भी है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो वो देखो वहाँ पे। तो मैंने थोड़ी फ़ोटोज़ खींच ली है इसके साथ, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसा लगता है, क्योंकि रात में भी उतना पता नहीं चल रहा है। और अभी मैं किसी के साथ आया नहीं था, क्योंकि आई टोल्ड यू जो मेरे दोस्त थे वो अभी करेंटली लॉग इन है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी चलते हैं, कैब का टाइमिंग होने वाला है घर की तरफ। और कहीं से भी देखो बिल्डिंग हर जगह ही अच्छी लगती है, तो फोटो वोटो खिंचवाने की तो बहुत सारी जगह है यहाँ पे। बंद है क्या?